उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भ्रष्टाचार की नींव पर बना हुआ एक पुल मात्र 12वें साल में ही गिर गया। ये घटना शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर रामगंगा और बहकुल नदी पर पुल बनाया गया था। ये पुल 2 किलोमीटर लंबा है, जिसे कोला घाट के नाम से जाना जाता है, जो रविवार देर रात गिर गया। हादसे के समय उस पर एक कार गुजर रही थी, जो पुल गिरने के साथ में ही बीच में फंस गई। इस कार में 12 लोग सवार थे, जिन्हें मामूली चोट आई है। पुल के गिरने से शाहजहांपुर बदायूं मार्ग पर फिलहाल यातायात रोक दिया गया है। जिले की कला तहसील का मुख्य संपर्क मार्ग भी टूट चुका है। आपको बताते चलें कि ये पुल 1992 में सपा सरकार के दौरान मुलायम सिंह यादव ने बनवाने की शुरुआत की थी, जिसे 17 साल बाद 2009 में मायावती ने उद्घाटन भी किया और इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। लेकिन 2021 में अब भाजपा सरकार चल रही है और ये पुल गिर गया। महज लोकार्पण के 12 साल में ही ये पुल गिरने से आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना घोटाला और कैसे भ्रष्टाचार की दरार पड़ी होगी, जिससे ये पुल भरभरा कर गिर गया। पंकज गुप्ता, जिला सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल। अच्छा, ये बताइए, जो पुल टूटा है लगभग कितने बजे टूटा है रात में? ये लगभग 3 बजे टूटा है। अच्छा, इसका क्या कारण है, किस लिए टूटा है? कारण क्या है, बुआ बबुआ सरकार दोनों लोगों की सरकार मना हुआ था, 2005 में स्वीकृत हुआ था। हाँ। और लगभग 7-8 में चालू हुआ था। अच्छा, उस समय अपने विधायक जी थे वर्तमान में उस सरकार में, श्री मौर्या जी, उन्होंने चालू करवाया था पुल। अच्छा, जबरदस्ती चालू करवाया था क्या? हाँ, वो चालू कर जानकारी मिली कहाँ से, जबरदस्ती चालू कराया था। इस जो पुल टूटा है, इससे कोई जनहानि हुई है क्या? कोई जनहानि नहीं हुई, फिलहाल में जनहानि नहीं हुई है, लेकिन चोटें लगी हैं लोगों को। अच्छा, एक जो गाड़ी फंसी हुई है, इसमें कितनी सवारियां लगभग थी? इसमें 4 सवारियां थी। अच्छा, वो सुरक्षित हैं या घायल? इसमें थोड़ी उनके चोट लगी है, फिलहाल में कोई घटना नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर कोई आ चुका है, पुलिस प्रशासन? हाँ, पुलिस प्रशासन शाम से ही लगा है। अच्छा, और इसके जो पुल के कर्मचारी हैं, वो हाँ अभी शायद एक्शन साहब आए थे उधर, इधर तो अभी हमारी अच्छा लेट नहीं हुई। क्या नाम है आपका? आमिन अली। कहाँ से रहते हो? मिर्जापुर। ये बताइए, ये पुल कितने टाइम में टूटा हुआ था? ये पुल जो लगभग कल 3 बजे के टाइम टूटा है जी, सुबह 3 बजे। हाँ, सुबह 3 बजे के टाइम टूटा है। इसकी रिपेयरिंग कब हुई थी? रिपेयरिंग देखिए भैया, रिपेयरिंग हुई थी 2 महीना पहले, लगभग रिपेयरिंग 15 दिन हुई थी जी। 15 दिन के बाद रिपेयरिंग होने के बाद यहाँ पे कोई भी एक कैंडिडेट ऐसा नहीं रखा गया जो कि इसकी देख रेख कर सके। प्रशासन मतलब बिल्कुल भी चुपचाप था, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे पहले ही ये घटना का हादसा हो सकता था। ये गाड़ी जो नीचे आप देख रहे हैं, ये इसमें कोई हादसा नहीं हुआ? नहीं, हादसा गाड़ी वाले भी ठीक है, सिर्फ गाड़ी ही टूटी हुई है। हादसा हो सकता था, हादसा हो ही गया, हादसा हो सकता था, बस ये बात है कि हादसा टल गया। लेकिन हादसा टल गया। अच्छा, ये बताइए, आप तो जलालाबाद, और मतलब कैसे आवागमन करेंगे? अब आगमन क्या, 100 किलोमीटर का पड़ेगा वो जलालाबाद। आप किधर से जाएंगे? राजपुर होकर जाएंगे, राजपुर को रास्ता नहीं पता है, वो फरकाबाद वहाँ जमापुर मोड़ से होकर यहाँ जलालाबाद आ जाएंगे 100 किलोमीटर। तो आपको मतलब व्यापार और ये स्कूल में जाने के लिए बड़ा समस्या बड़ी होगी? बहुत भारी समस्या होगी, यहाँ कॉलेज तो सब यहीं है, एक तो रोजी पब्लिक स्कूल जलालाबाद में ही है, वहाँ भी काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ के पढ़ते हैं, अब उन्हें भी काफ़ी समस्या का सामना उठाना पड़ेगा। अब जाएँ तो वहीं जा सकते हैं 100 किलोमीटर होकर, व्यापारी लोगों को भी काफ़ी परेशानी होगी जो शाहजहांपुर जाते थे, जिनका शाहजहांपुर तो सबका काम ही चलता है जी। बिल्कुल, धन्यवाद।